अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सद्दाम खान की दुनिया यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त, आपका होस्ट सद्दाम खान एक बार फिर पक्की सच्ची और नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, दुबई वीज़ के जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक आज की मेरी वीडियो, काफ़ी मुझे मैसेजेस आए, काफ़ी सवालात आए, जो वीज़ों की क्या अपडेट्स हैं वो तो मैं बना चुका हूं, लेकिन अब मुझे मैसेजेस ये आ रहे हैं जी हमारा विजिट वीज़ा है, इसको हम एक्सटेंड करें या ना करें, दुबई का क्या रूल है, कुछ चेंज होंगे वीज़े के बारे में कि नहीं, क्योंकि जो विजिट वीज़े पर गए हैं वो इस आस पर गए हैं कि हमें आगे जॉब मिल जाएगी। अब उन्होंने यही सवालात आ रहे हैं मुझे जी, भाई हमें ये अपना एक्सटेंड करना चाहिए विजिट वीज़ा, आगे कोई वीज़े ओपन हो सकते हैं, कुछ हालात चेंज हो सकते हैं कि नहीं, आज उस पर मैंने मुकम्मल आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन के साथ, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हर खबर से बाखबर रहें। दोस्तों, दुबई के जो हालात चल रहे हैं, जैसे रूल्स दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं, पहले सिर्फ पाकिस्तान का वीज़ा बंद था, मज़ीद चार कंट्रीज़ के और वीज़े बंद कर दिए गए हैं। दुबई गवर्नमेंट अपने रूल को स्ट्रिक्ट कर रही है, उसकी रीज़न है कि काफ़ी फ्रॉड दुबई में हो रहे थे, काफ़ी जो है ना फेक डिग्रीज़ वाले आ रहे थे, उसकी वजह से वो अपने सिस्टम को मज़ीद अपडेट करना चाहती है। कुछ वीज़े ओपन किए थे दुबई ने, लेकिन वो मज़ीद दोबारा बंद कर दिए गए, क्योंकि वो अपने सिस्टम से अभी सेटिस्फाई नहीं थे। तो अभी दुबई गवर्नमेंट ने अभी तक कोई वीज़ा ओपन नहीं किया, यहाँ तक कि कोई अगर अपना वीज़ा चेंज करना चाहता है वहाँ रहते हुए भी, तो उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरे जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि जी वीज़ा एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी आपको वीज़ा एक्सटेंड नहीं करना। वीज़ा एक्सटेंड इसलिए नहीं करना कि देखें, अभी दुबई गवर्नमेंट है, उसने किसी की सुननी तो है नहीं, किसी की मानी तो है नहीं, उन्होंने जब तक अपना सिस्टम अपडेट नहीं करना, उन्होंने किसी किस्म के वीज़े को ओपन नहीं करना। तो बजाय आप उधर रह के अपना टाइम भी ज़ाया करें, अपना पैसा भी ज़ाया करें, एक्सटेंड फीस भी दें, वहाँ जो आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो भी ज़ाया करें, तो इससे बेहतर मेरा आपको मशवरा है कि अभी भी किसी ने भी दुबई का वीज़ा, अगर आप विजिट वीज़े पर हैं और जॉब की तलाश में हैं, तो वीज़ा एक्सटेंड ना करें। वीज़ा एक्सटेंड इसलिए ना करें कि अभी दुबई गवर्नमेंट है, उसको कोई पता नहीं लगता वो कब वीज़े ओपन करती है, कब नहीं करती। तो इसलिए अगर आप विजिट वीज़े पे गए हैं और वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो दुबई का वीज़ा आपने एक्सटेंड नहीं करना। आप इससे, आपको ये एक्सपीरियंस पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि आप इससे बेहतर है कि अपने मुल्क वापस आ जाएं, उसमें ये होगा कि आपको कम से कम एक एक्सपीरियंस तो होगा, दोबारा से जब वीज़े ओपन होंगे तब जाइएगा। तो इसलिए अपना टाइम और पैसा ज़ाया नहीं करें, अभी दुबई गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि वो वीज़े ओपन करें। तो इसलिए अभी आपने आज तक की न्यूज़ के मुताबिक अभी ओपन नहीं है, मे बी कल परसों आगे कोई नई न्यूज़ अपडेट आएगी तो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक आप मेरे हिसाब से वीज़ा एक्सटेंड ना करें। तो ये एक छोटी वक्तन फ़क्तन इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ अपने व्यूअर्स को, ताकि वो हर हालात से बाखबर रहे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेगा अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।